तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पेशाब से प्रोटीन आने वाला जो रोगी होता है उसकी पेशाब से प्रोटीन आना क्यों बंद नहीं होता है, वो क्या ऐसी गलतियां करता है और वो कौन सा नमक खा रहा होता है जिसकी वजह से किडनी का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कभी भी रुकता ही नहीं है और ये आगे चल करके उसकी किडनी खराब हो जाती है बिल्कुल और उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। प्राचीन समय में समुद्री नमक हुआ ही नहीं करता था, जो हमारे पूर्वज होते थे वो सभी रॉक सॉल्ट का प्रयोग किया करते थे या सेंधा नमक का प्रयोग किया करते थे या वो झील के अंदर जहाँ खारा पानी इकट्ठा होता है उस नमक का प्रयोग करते थे। लेकिन समुद्री नमक का इस्तेमाल अभी जब आधुनिक युग आया तब जाकर के होने लग गया। ये समुद्री नमक से बहुत तरीके की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, खास तौर पर ये किडनी की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। नमक का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा काम होता है। नमक जो होता है वो किडनी के द्वारा जो पानी का बैलेंस होता है उसको बना के रखता है एक मनुष्य के शरीर के अंदर। कितना पानी उसकी बॉडी को चाहिए वो नमक ही डिसाइड करता है। अगर आप समुद्री नमक का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में जो पानी का बैलेंस होता है वो बिगड़ने लग जाता है और आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा होने लग जाता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मोटा होने लगा हूँ और उसकी वजह से उनके चेहरे पर स्वेलिंग आने लग जाती है, पैरों पर स्वेलिंग आने लग जाती है और उनकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है जिसमें आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, MPGN और भी कई तरीके की ऐसी बीमारियां होने लग जाती हैं जिसके अंदर पेशाब से प्रोटीन आने लग जाता है और ये बीमारियां आगे चल के विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो देखिए एक छोटे से नमक से आपको कितनी बड़ी बीमारी मिली। तो इसीलिए जो नमक है वो बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए और आपको अपनी बीमारी के अनुसार ही नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, योगा वगैरह करता है, तो उसके पसीने के द्वारा और योगा करने के द्वारा उसके शरीर में से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो पसीने से बाहर आ जाता है और उसका शरीर भी डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाता है। तो जिसकी वजह से जो ये एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है उसकी बॉडी से निकल जाता है। लेकिन जितने भी किडनी के मरीज होते हैं वो अपनी डाइट पर सुधार नहीं करते और ये नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, अपने जीभ के टेस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको समुद्री नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी टाटा सोल्ट आते हैं, नीमा सोल्ट आते हैं, जितने भी प्रकार के समुद्री नमक हैं जो आपको पैकेट के अंदर मिलते हैं वो नहीं खाने हैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशाब से प्रोटीन आना रुके, डॉक्टर भी मना करते हैं एक्स्ट्रा नमक खाने के लिए। नमक आपके BP को भी बढ़ाएगा, नमक आपको बहुत सारी बीमारियां देगा। आपको हमेशा रॉक सॉल्ट का प्रयोग करना है जो पत्थर के आकार का मिलता है। आप उसको घर पे लाके पीस भी सकते हैं या आप पिसा पिसाया भी रॉक सॉल्ट ले सकते हैं। रॉक सॉल्ट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं जो कि किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं और इसके अंदर सोडियम की मात्रा भी कम होती है जिसकी वजह से शरीर के अंदर एक्स्ट्रा दबाव नहीं बनता किडनी को पानी निकालने के लिए और जो किडनी के अंदर चलने वाला इन्फ्लामेशन होता है वो भी रुकता है। अब आप बोलेंगे सेंधा नमक खा लें, तो सेंधा नमक भी नहीं खाना है क्योंकि सेंधा नमक भी जो झील का पानी होता है जो बहुत ज़्यादा खारा होता है उससे बनाया जाता है।